मसीसों के ज़ीमो जिन्हें आपके सलाम थे। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता हफ़्ते में जब हमने इस वीडियो को अपलोड किया तो लोगों के मिले जुले ख़यानात हमारे सामने आए। बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की, बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी ये जो वीडियो है ये तरफदारी पर मबनी है। आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं जो औरतों को इजाज़त देते हैं कि वो पादरी बन सकें। हाल ही में मेरी मुलाकात एक बिशप साहब से हुई और उनके साथ गुफ्तगू के दौरान पता चला कि उन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। मैं ये समझता था कि आप जब बात करेंगे तो आप औरतों की जो पासबानी खिदमत है या जो पासबानी टाइटल इस्तेमाल करना है उसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन आपने तो उन तमाम लोगों की हमायत की है जो अपने आप को पासबान ख़वातीन कहती हैं, जिनके चर्चेज़ में ख़वातीन को पासबान कहकर पुकारा जाता है, जो अपने नाम के साथ पासबान लिखते हैं। आपने उन सब की हमायत की। तो मैं उनकी इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि जिस तरीके से इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात सामने आए, बाद में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि शायद ये वीडियो जो है उनके ख़िलाफ़ है और YouTube ने इस वीडियो को डाउन कर दिया। अब आप इस वीडियो को अगर तलाश करेंगे तो ये आपको YouTube पर नहीं मिलेंगी क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको लगाकर YouTube ने इसको रिमूव करवा दिया। यहाँ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो सवाल जो है उसका जवाब आप सबको मिल के देना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि औरत पासबानी खिदमत नहीं कर सकती, या आप ये समझते हैं कि औरत पासबानी या पासबान या पादरी का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकती? आप किस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ जी, औरत पासबानी खिदमत नहीं कर सकती, औहदा नहीं हासिल कर सकती, लेकिन वो अपने आप को पास्टर लिख सकती है। मैंने जब इस बात को सुना तो मैं खुद चौंक गया क्योंकि मैं तो ये समझता था कि जब आप इस आयत को पढ़ते हैं औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है, और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। तो मैंने जब इस आयत को आपके सामने पेश किया तो इसमें मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया यहाँ औरतें लफ्ज़ हैं जो इशारा करता है उन ख़वातीन की तरफ जो शादीशुदा हैं, और यहाँ पर कंवारी औरतों का या उन औरतों का जो कि लीडरशिप के रोल में है, जिन्हें बात करनी आती है, जिन्हें पता है कब क्या कहना है कब क्या नहीं कहना, उनका ज़िक्र ही नहीं। लेकिन जब इन सारी बातों को मैं आपके सामने बयान कर रहा था तो हकीकत में मुझे ये एहसास नहीं था कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो दरअसल ख़वातीन के लिए लफ्ज़ पास्टर को इस्तेमाल करना बुरा नहीं समझते, लेकिन किसी खातून की पासबानी खिदमत करने को वो कबूल करना नहीं चाहते, बल्कि वो ये समझते हैं कि औरतें इस टाइटल को इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चंद ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने लिए बिशप का टाइटल भी इस्तेमाल करती हैं, और दुनिया में तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ पासबान हैं, बिशप हैं और अपने चर्च की रहनुमाई करती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा इख्तलाफ जो है वो इस बात को लेकर है कि ख़वातीन पादरी बनकर किसी चर्च की रहनुमाई नहीं कर सकती या ख़वातीन इस टाइटल को इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ख़वातीन इस टाइटल को ही इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर बात और है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ख़वातीन पासबानी खिदमत नहीं कर सकती तो ये बात और है। मैंने वाज़ेह तौर पर आपके सामने ये अर्ज़ किया था कि मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अगर कोई खातून दुरुस्त तौर पर खिदमत कर रही है तो उसकी खिदमत को हमें कबूल करना चाहिए। हाँ, पासबानी खिदमत क्यों नहीं कर सकती है या रसूलों में कोई औरत क्यों पासबानी खिदमत को सरंजाम देने वाली या रसूली खिदमत को सरंजाम देने वाली नहीं थी, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। और क्यों किसी औरत को काहिन नहीं बनाया गया ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ क्योंकि जिस दौर में मूसवी शरीयत नाज़िल की गई उस दौर में ख़वातीन जो थी उनका मुकाम बच्चों से भी नीचे था, और अगर आप खैमा इज्तिमा के गिर्द जमा होकर इबादत करने की तरतीब को देखेंगे या पहली हैकल की जो इबादत की तरतीब है उसको देखेंगे तो पहले जो था वो पाक तरीन मुकाम था, फिर पाक मुकाम था, उसके बाद मर्द खड़े होते थे, वो इबादत करते थे, उनके पीछे बच्चे होते थे, उनके पीछे ख़वातीन होती थी। तो ख़वातीन को उस दौर में सामने खड़े होकर पासबानी या कोई और ख़िदमत देना जो था वो एक तरह से नामुमकिन बात थी, क्योंकि उस दौर में ऐसा सोचा भी नहीं था जा सकता कि ख़वातीन लीड कर सकती हैं। और अगर आपने इस आयत को पढ़ा हो तो यहाँ पर हमें इशारा मिलता है, यहाँ लिखा है, तौरात में भी लिखा है, और ये इशारा सीधा आपको ले जाएगा पैदाइश 3 बाब में, जहाँ पर खुदा जो है वो हवा से हम कलाम होता है और उसे कहता है, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊँगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अब इस आयत को जब देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये वाजे कर दिया गया था हवा पर कि उसे अपने शौहर के ताबे रहना है। अब यहाँ भी शौहर की बात है, और जब हम पहला कुरिन्थियों 14वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ भी मियाँ बीवी की बात है। और यहाँ पर यह बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है खामोश रहना, वो डकोरम को कायम रखने के लिए, ताकि इबादत में किसी किस्म का खलन ना हो, शोर शराबा ना हो। और ऐसा ही आम तौर पर भी होता है कि जब हम प्रोग्राम्स में जाते हैं जहाँ पर ऐसी ख़वातीन होती है जिनको खिदमत करने का पता है, जिनको खिदमत का तजुर्बा है, उनका बात करना, उनका खड़ा होना, उनका खिदमत करना बिल्कुल फ़र्क होता है। लेकिन जब कुछ ऐसी ख़वातीन आ जाती हैं जो कभी ऐसे प्रोग्रामों में नहीं गई, सेमिनार्स में नहीं गई, ऐसी इबादात में नहीं गई जहाँ बैठकर बड़ी बड़ी देर तक खुदा उनके कलाम को सुनना पड़ता है, तो बड़ी जल्दी उकता जाती हैं। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि क्या कलीसिया पाकिस्तान जो है वो औरत के लिए लफ्ज़ पास्टर, पासबान के इस्तेमाल करने से इख्तलाफ रखती है, या क्या आप ये मुनासिब समझते हैं कि औरत अपने लिए पास्टर, पासबान और कोई भी टाइटल इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हाँ वो पासबानी खिदमत नहीं कर सकती? अब आप क्या समझते हैं, ये मैं आपसे वाज़े तौर पर जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस हकीकत को समझें कि हमने कभी भी ख़वातीन की खिदमत को रद्द नहीं किया। बहुत सारी बहनों ने यह समझा कि शायद हमने उनके बारे में बात की है कि उन्हें खिदमत करने की इजाज़त नहीं, लेकिन ये बात याद रखें कि हमने जब तस्वीर आपके सामने शेयर की थी, उस तस्वीर में महज आपके सामने ये बयान किया गया था कि किसी शख्स ने जब हमसे बात की तो उसने क्या कहा, उसने चंद ख़वातीन का नाम लिया और उनके बारे में बताया कि इनको खिदमत नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अपने लिए पासबान का टाइटल या पास्टर का टाइटल या पादरी का टाइटल इस्तेमाल करती हैं। और उसी शख्स ने कहा था कि मेरे ख़्याल में इन्हें खिदमत नहीं करनी चाहिए। बस, तो ये उसके ख्यालात का इज़हार था और मैंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा था कि हाँ, पासबानी खिदमत आज भी खातून के लिए करना पाकिस्तान के माशरे में मुश्किल है, लेकिन अगर आप दुनिया में जाएंगे तो हज़ारों ख़वातीन हैं जो खुदा की खिदमत को सरअंजाम देती हैं और बहुत अच्छे तरीके से देती हैं। लेकिन आप किस चीज़ से इख्तलाफ रखते हैं, टाइटल से या पासबानी खिदमत से? बराए मेहरबानी इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सकें। शुक्रिया।